एवरीवन, तो आज हमको यामा की तरफ से एक इवेंट में बुलाया गया था जिसमें कि हम एक राइड पे जाने वाले हैं। काफ़ी सारे राइडर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, हमारी बाइक पे बैठते हैं और हम आज चलाने वाले हैं R15। तो चलिए राइड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो राइड है वो स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप बाइक चलाएं या फिर स्कूटी चलाएं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। चलिए तो आप बात करते हैं राइड के बारे में। तो यहाँ पर हम 15 किलोमीटर का एक सर्किट करने वाले हैं, जिसमें कि हम MP नगर से होते हुए जाएंगे बिरला मंदिर, जो कि भोपाल में स्थित है, और वहाँ से हम वापस आएंगे। तो हमने जो स्टार्ट किया है यहाँ से जो है वो MP नगर है, और अभी हम निकल चुके हैं राइड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे साथ राइडर भी हैं। और चलिए तो अब बात करते हैं हम जो बाइक चला रहे हैं। तो जो बाइक हम चला रहे हैं वो है R15 फोर्थ जनरेशन। और बाइक की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये 155 cc बाइक रहती है। इसमें 6 स्पीड गियर्स रहते हैं, डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका माइलेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर पर लीटर से 85 किलोमीटर पर लीटर के बीच में रहता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बाइक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बाइक भी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं, मीडियम स्पीड में ही हम बाइक चला रहे हैं। जब आप ग्रुप के साथ राइडिंग करते हैं तो आपको राइड सेफ तरीके से राइड करना रहता है। यहाँ पर आप स्पीडिंग नहीं कर सकते और रश ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपको आपकी सेफ्टी का और आपके दूसरे राइडर्स उनकी भी सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम राइड कर रहे हैं, साइड में हमारे जो हैं यहाँ पर कैमरा लेके पर्सन भी हैं, उनकी इंस्टाग्राम ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे सिनेमाटोग्राफी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है राइड में आगे बढ़ चुके हैं, और जो है हम न्यू मार्केट से मुड़ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे राइडर्स और भी जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी राइड रही है, और यहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय भी किया। बीच में हम रुके भी जहाँ पर हमने टी ब्रेक लिया, और काफ़ी सारे राइडर्स हमारे साथ थे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको एक एनवायरनमेंट देखने को मिला। रोड्स भी भोपाल के यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और ज़्यादा कुछ रोड्स मेरे को इस वाले रूट में कुछ ख़राब नहीं लगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छी जर्नी रही यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके हम हमारी डेस्टिनेशन के पास पहुँचते जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो राइडर्स हैं उनका ग्रुप है, और मैं आपको बता दूँ, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धीरे धीरे करके हम हमारी डेस्टिनेशन के पास पहुँचते जा रहे थे। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले सारे राइडर्स ने बीच में रुकने का एक डिसीज़न लिया, क्योंकि सारे राइडर्स को बाइक के साथ फोटो सेशन करवाना था। तो फोटो सेशन करवाया, आप यहाँ पर बाइक देख सकते हैं, डिफरेंट कलर की R15 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है FZ भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं FZ भी रखी हुई है। तो बहुत अच्छी बाइक थी, राइडिंग करने में भी मज़ा आ रहा था। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और फाइनली हम बिरला मंदिर जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँच गए। आप यहाँ पर मंदिर की जो व्यू है वो देख सकते हैं, यहाँ पर सामने जो है वो मंदिर है, और नीचे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं और मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वापस जो है अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ राइड थी यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा राइडर्स के साथ, एंजॉय किया इस दिन हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए राइडर्स जो हैं वो पास से गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।